गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पार्ट चार है महाराणा प्रताप। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? पार्ट चार महाराणा प्रताप का। इसमें क्या कर रहे हैं आज हम? दोहरान कर रहे हैं। ये हिंदी फर्स्ट का फोर्थ चैप्टर है। इसमें देखिए, पहले मौखिक प्रश्न दे रखे हैं, महाराणा प्रताप किस वंश के थे? महाराणा प्रताप किस वंश के थे? तो इसका उत्तर है सिसोदिया राजवंश के। किसके थे वो? सिसोदिया राजवंश के। महाराणा प्रताप को किससे असीम प्यार था? महाराणा प्रताप को किससे असीम प्यार था? तो इसका उत्तर है मातृभूमि से। किससे असीम प्यार था? मातृभूमि से। बचपन में महाराणा प्रताप किसकी परिक्रमा करते थे? बचपन में महाराणा प्रताप किसकी परिक्रमा करते थे? इसका उत्तर है विजय स्तंभ। क्या? किसकी परिक्रमा करते थे? विजय स्तंभ की। युद्ध में महाराणा प्रताप का सहायक कौन बना? युद्ध में महाराणा प्रताप का सहायक कौन बना? उत्तर है इसका चेतक। अब आगे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को, 9 मार्च 1540 को, 10 मार्च 1541 को। तो इसका सही उत्तर है 9 मई 1540 को। ख है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? पन्ना, गोलू या चेतक? तो उनके घोड़े का नाम था चेतक। ग है, महाराणा प्रताप ने किन गुफाओं में निवास किया? अरावली, हिमालय या अजंता? तो इसका सही उत्तर है अरावली। प्रश्न तीन है, एक गद्यांश दे रखा है सामने और इस गद्यांश में से आपको नीचे के तीन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें देखिए, इस वीर सपूत का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय एवं माता का नाम रानी जीवत कंवर था। बचपन महाराणा को बचपन से ही अच्छे संस्कार, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और धर्म की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वीरता और दृढ़पन के लिए इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा। इसमें प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है राजस्थान के कुंभलगढ़ जिले में। दूसरा प्रश्न है, प्रताप के माता पिता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है, पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय तथा माता का नाम रानी जीवत कंवर था। तीसरा प्रश्न है, प्रताप को अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और धर्म की रक्षा की प्रेरणा किससे मिली? तो इसका उत्तर है, प्रताप को अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और धर्म की रक्षा की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली। किससे मिली थी? अपने माता पिता से मिली। अब प्रश्न चार है, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे गाथाएं, ओज, वीर सपूत और खट्टे। अब इसमें पहला है, मेरे रक्त में राणा सांगा का प्रवाहित है ओज। क्या है? ओज प्रवाहित है। दूसरा है, साहस से मुगल सेना के दांत कर दिए खट्टे। तीसरा है, चेतक की बहादुरी की आज भी लोग सुनाते हैं गाथाएं। चौथा है, फोर्थ नंबर घ है, यह धरती हमेशा ही महाराणा जैसे पर गर्व करती रहेगी, वीर सपूत पर। अब इसमें पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या लिखिए? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें देखिए पहला है, महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता और मातृभूमि की शपथ लेकर क्या कहा? तो इसका उत्तर है, महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता और मातृभूमि की शपथ लेकर कहा कि तुम सदा
उन्नत और सिसोदिया गौरव के विजय प्रतीक बने रहोगे। शत्रु तुम्हें अपने स्पर्श से मेरे रहते हुए अपवित्र नहीं कर सकते। दूसरा ख है हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। ख है हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। इसका उत्तर है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ग है लोग चेतक की बहादुरी की कौन सी गाथा सुनाते हैं। लोग चेतक की बहादुरी की यह गाथा सुनाते हैं, रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप सिंह के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब इसमें फोर्थ घ है महाराणा प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा की थी। महाराणा प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा की थी। तो इसका उत्तर है महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा मैं महलों को छोड़कर जंगल में रहूंगा, स्वादिष्ट भोजन छोड़कर कंदमूल फलों से पेट भरूंगा, किंतु अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं करूंगा। ये हमारे चार प्रश्न हो गए। अब हम भाषा की बात है, इसमें दे रखे हैं नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है अकबर, इसका वाक्य देखिए, अकबर एक कला प्रेमी सम्राट थे। क्या थे? कला प्रेमी सम्राट थे। दूसरा है महाराणा, तो महाराणा एक प्रतापी राजा थे। आधिपत्य, अकबर ने दिल्ली पर आधिपत्य कर लिया। हताश, राम काम न बनने की वजह से हताश हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा है समझकर अनुस्वार लगाओ। क्या लगाओ? अनुस्वार लगाना है। पहला देखिए, इसमें देखिए अनुस्वार सुंदर, तो कहाँ आएगा सुंदर में? यहाँ पे अनुस्वार। फिर है हमारा गुंजन, गुंजन। फिर देखिए एवं, एवं यहां पे आ गया। फिर है अंदर, ये अंदर पे यहां पे लगा दिया अनुस्वार। फिर है चंपा, चंपा पे आ गया। फिर देखिए झंडा, फिर है आगे चंदन, चंदन के बाद में है स्वयं। ये हमारे अनुस्वार हो गए। ये हमारे आज फोर्थ नंबर का जो चैप्टर है महाराणा प्रताप, इसका हमने दोहरान कर लिया है प्रश्न उत्तर को। आपको इसमें मौखिक प्रश्न कॉपी में करने हैं। सभी बच्चों को अपनी हर पेज पे आपको अपना नाम क्लास एड लिखना है। विदाउट नेम कॉपी चेक नहीं होगी, इसलिए सभी अपने पेजों पे अपने नाम लिखिए, क्लास लिखिए और डेट भी लिखिए। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।